कहते हैं कि किस्मत और लॉटरी जो है वो कभी भी खुल सकती है और किस्मत और लॉटरी जो है कभी भी खुल सकती है ऐसा जो कहना था वो अक्सर बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि लॉटरी और किस्मत दोनों ही खुलने में जो है बहुत वक्त लगता है और बहुत मुश्किल से खुलती है लेकिन कुछ भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिनकी दोनों ही चीज़ें खुल जाती हैं इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ किस्मत की जी हाँ एक ट्रेन में गाना गाने वाली औरत की किस्मत ऐसी खुली कि वो सीधे पहुँच गई बॉलीवुड जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं बंगाल के एक रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाली रनों रानू मंडल की मैं बात कर रहा हूँ रानू मंडल जो है वो ट्रेन में गाना गाए करती थी और वो स्टेशन पे गाना गाए करती थी और उसका गुजारा जो था वो उसी से चलता था रानू का जो हस्बैंड था उसका पति जो था वो काफी साल पहले मर गया था घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल था रानू ट्रेनों में गाना गा के जो है वो जो है वो अपना पेट पालती थी कभी दो वक्त की रोटी जुटा पाती थी कभी शायद उसके पास जो है वो एक वक्त की चाय के पैसे भी नहीं होते थे लेकिन अब सीधे रानों ने एंट्री करी है बॉलीवुड में हिमेश शमिया की अगली फिल्म तेरी मेरी कहानी में जो है रानों से वो गाना गलवाएंगे दरअसल हुआ ये के एक गाना जो है वो रानू का वीडियो वायरल हुआ स्टेशन पर जब कोई भी गाना गाता है कोई भी ऐसी चीज होती है तो आज का सोशल मीडिया का जमाना है तो किसी ने उसकी ये वीडियो बना ली और वीडियो जो है वो वायरल होने लगी वीडियो वीडियो वायरल होने के बाद जो है ये किसी तरह से जो है वो बॉलीवुड तक जा पहुंची यहाँ तक कि सारे गामा में भी उसको जो है वो चांस मिला उनको बुलाया गया आप देख सकते हैं वीडियो में या फोटो में किस तरीके से ये वही रान है और मेकअप के बाद जो है कितना इनके अंदर चेंज आ गया फिलहाल वो हिमेश शमिया की फिल्म तेरी मेरी कहानी में गाना गाएंगी और यहाँ से जो है किस्मत बदलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया एक मामूली सी ट्रेन में गाने गाने वाली औरत जिसके पास शायद ढंग के कपड़े भी नहीं थे एक पुरानी साड़ी में गाना गाती थी आज जो है वो बहुत ही अच्छे सूट में एक मॉडल से कम नहीं लग रही हैं तो दोस्तों इस यकीन के साथ आप भी अपनी फील्ड में जमे रहें कि किस्मत जो है वो किसी की भी खुल सकती है किस्मत को किसी भी चीज़ के लिए दोष ना दें किस्मत जो है वो हर किसी की खुलती है लेकिन वक्त तो लगता है और कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनकी जो है वो जैकपॉट खुलता है जैसो के रानू मंडल फिर किसी और इंफॉर्मेटिव न्यूज के साथ आपके साथ होगी मुलाकात आप बने रहिए द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ जय हिंद